आगामी 9 मार्च को सभी जिलों में लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसमें विशेष तौर पर गोरखपुर जिले में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आयोजित होने वाली लोक अदालत में विभिन्न विभागों के अलग अलग मामलों का निपटारा और साथ में विधिक साक्षरता का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी गोरखपुर के जिला जज गोविंद भल्लव ने हमारे सिटी वन के संवाददाता को दी और साथ में चैनल के माध्यम से लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत का फायदा उठाएं। अलग अलग विभाग के लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं और ये अदालत गोरखपुर में इस बार खास होगी। ये मेगा लोक अदालत होगी और इसमें कई चीज़ें होंगी, जैसे कि विधिक साक्षरता की बात की जाए और अन्य चीज़ों। हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट जज श्री गोविंद बल्लभ जी हैं और सर ये बताएंगे कि क्या क्या इसमें होगा। सर, 9 मार्च को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा सीनियर जज साहब आएंगे और इसमें विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रशासनिक अधिकारी तथा डॉक्टर महोदय तथा CDO साहब तथा अन्य विभाग की इसमें सहभागिता रहेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मुकदमों को तय करना, लीगल लिटरेसी कैंप लगाना, विधिक साक्षरता का प्रचार प्रसार करना, सरकार की लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अन्य लाभार्थ जितने भी और स्कीमें, जैसे कि नशा उन्मूलन के बारे में उपाय बताना, तस्करी को रोकना, जैसे कि मानव तस्करी के विषय में तमाम मुकदमे आजकल विभिन्न जगह लंबित हैं, उनके तस्करी को किसी भी प्रकार प्रशासनिक आधार पर रुकवाने का प्रयास किया जाएगा। यह विधिक साक्षरता कैंप सेंट एंड्रूज कॉलेज में लगाया जाएगा और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि आम जनता इससे लाभान्वित हो सके। तो जैसा कि सर की बातों को आपने सुना, डिस्ट्रिक्ट जज ने आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठाएं, क्योंकि सिर्फ इसमें लंबित मामलों का ही निपटारा नहीं होगा बल्कि लोगों को विधिक रूप से भी साक्षर किया जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनाए।